महानगर के शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च में रविवार को एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें श्रीलंका में हुए 3 चर्चों और 3 होटलों में सीरियल बम ब्लास्ट में मृतकों की आत्माओं के शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस संबंध में गोरखपुनी संवाददाता से बात करते हुए क्राइस्ट चर्च प्रभारी DR लाल ने कहा, ये मेरा नाम DR लाल है। मैं गोरखपुर में शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च का प्रभारी हूँ। अभी हमारे यहाँ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, जिसे हम ईस्टर भी बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में आज हमारे यहाँ आराधना हो रही थी, जो अभी ख़त्म हुई है। और हम देखते हैं कि अभी हमने न्यूज़ में देखा, जो न्यूज़ में चल रहा है, कि श्रीलंका में 3 चर्चों पे और 3 होटलों पे कायराना हमला, जो कि पिछले काफ़ी वर्षों से हम देख रहे हैं, ऐसे आतंकवादी जो मानवता के विरोधी हैं, उन्होंने 6 सीरियल ब्लास्ट किए हैं श्रीलंका में, उसमें 3 चर्चों को भी उन्होंने चुना है। चर्च ऐसा स्थान होता है जहाँ पे लोग परमेश्वर की आराधना करने जाते हैं। चर्च हुआ या मस्जिद हुआ और या मंदिर हुआ, इन स्थानों पे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, और आराधना करते समय हमारा सारा हृदय और सारा मन, सारा विचार जो है वो परमेश्वर की भक्ति की ओर होता है। और ऐसे समय में कायराना तरीके से यदि चर्च के अंदर विशेष तौर से ब्लास्ट किया गया है, तो ये बड़ा कायराना हरकत है। और सचमुच ये ऐसे लोग हैं, ऐसे संगठन हैं, जो शैतान, जो कि इस मानवता का विरोधी है, परमेश्वर का विरोधी है, वो शैतान इनको उकसाता है, इनके हृदयों को उसने अपने बंधन में बांध रखा है, और ये सारे मानवता के विरोधी हैं, कि मानव जीवन को वो नष्ट करना चाहते हैं। जबकि अभी अभी हमने देखा कि 3 दिन पहले हमने शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह की उस शिक्षा को देखा कि उन्होंने सारे मानवता के लिए, उनके उद्धार के लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए। उन्हें तरह तरह से प्रताड़ना दी गई, उनके शरीर पर कोड़े मारे गए, उनके हाथों और पैरों में कीड़े ठोक दी गई, उनके सिर पर कांटों का ताज धसा दिया गया। उसके बावजूद उन्होंने सारे अपने रोमन सैनिकों और वहाँ के यहूदी धर्मगुरुओं जो उनके विरोध में उनको क्रूसीकरण करा रहे थे, उनके लिए सबसे पहला जो उनके मुख से शब्द निकला वो था, हे पिता तू उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और हम जो उनके अनुयायी हैं, इस समय हम केवल परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो लोग इसमें मृतक हुए हैं, 100 से ज़्यादा या 300 लोग जो घायल हैं, तो मृतकों की आत्मा को परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर उनको शांति दे और उनके घर वालों को इस बड़े दुख को सहने की शक्ति दे, क्योंकि हमारा आराध्य प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और वो शांति वो उनके परिवार के लोगों को जो जीवित अवस्था में दे, और साथ ही साथ परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो जो घायलावस्था में हैं, ताकि वो जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ को हासिल कर सकें, और स्वास्थ्य लाभ हासिल करके अपने दैनिक जीवन में सारे आसानी से काम कर सकें, उनके परिवार प्रसन्न हो। लेकिन आज हमको प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पे वो बताई गई वाणी याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, ऐसे लोगों को, ऐसे संगठनों को जिन्होंने इस कायराना हरकत के द्वारा चर्च में और होटलों में सीरियल ब्लास्ट करके, बम ब्लास्ट करके मानवता के और मानव के जीवन को नष्ट किया है, उनको भी परमेश्वर क्षमा करे। मेरी यही परमेश्वर से प्रार्थना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें केवल और केवल क्षमा करना सिखाया है। मेरा यही संदेश है सारे विश्व को।